दोस्तों ये मेरे जोड़ों वाले कबूतर है, माशाल्लाह बहुत हाइपर फास्ट कबूतर है। आप इनको देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं इनके बारे में जी। ये देखें, ये मैंने दाना डाला है अभी, तो ये आगे ऊपर अभी नीचे जिनके पर ये माशाल्लाह ये देख लें, ये दाना खा रहे हैं दोस्तों। ये देखें, तो ये मुझे बताएं कैसे फिर लें, आपको कैसे लगे, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मालूम दें कि वो कबूतर बाजी फान है। और हर बंदे के पास इस तरह का फन नहीं होता, वो तो बाज तो बहुत हैं, चिड़ीमार भी बहुत हैं, बड़े बड़े जाल, ये हमारे साथ जाल भी लगा हुआ है। ये मेरे बहुत पुराने कबूतर हैं जो इस साइड पे मैंने रखे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी मैंने इनको दाना डाला, ये देखें अभी दाना डालूंगा तो जीत आपको देखें। इनको मैं थोड़ा सा दाना डालता हूँ क्योंकि वो भी जाना है। ये देखो दोस्तों, कबूतर हैं दोस्तों, ये जोड़ों वाले ब्रीडर कबूतर हैं मेरे, बहुत पुराने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। ये दाना खा रहे हैं दोस्तों, ये देख, ये देखो ये गोल्डन कबूतर है, बहुत पुराना कबूतर है, बहुत हाई समझदार है गोल्डन। ये लाल धागों वाला कबूतर आपको नज़र आ रहा है, ये कबूतर है गुलसरा, बहुत पुराना कबूतर है हमारा। ये गोल्डन देखें लाल आँख में है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर है। और अब अभी आप लोग दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ, दूसरे जाल में, ये बड़ा जाल है जो अभी मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। देखें आप कबूतर किस तरह नीचे आते हैं, ये अभी आप देखें, ये देखें कबूतर की सुबह सुबह का टाइम है। अभी नीचे दाना खाने के लिए देखिए, माशाल्लाह ये मुर्गियां भी मैंने रखी हुई है, मुर्गियों का शोर भी करते हैं ये सीन मुर्गी, तो माशाल्लाह वो देख देखें, ये अभी नीचे आएंगे, गवर्नमेंट को काफ़ी डला हुआ है, ये रजे हुए हैं बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह चलो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि मेरा सेटअप कैसा है। ये देखें ये जाल, ये फिर ये गैप आ जाता है, फिर ये एक जाल आता है, ये इसमें सुराख है, इससे खुद ब खुद कबूतर अंदर चले जाते हैं। और ये फिर गैप, फिर ये जोड़ों वाले कबूतर आते हैं और फिर ये आते हैं। और इसके साथ मज़े वाली बात बताएं, ये छोटे हैं, छोटे भाई ने नीचे एक रखे हैं, और ये टावर, ये टावर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। यहाँ से कबूतर सीधे जाल पर आ जाता है। आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएँ मेरे सेटअप के बारे में। ये देखें ऊपर एक कबूतर आया रंग वाला, ये जा रहा है, बड़ा प्यारा कबूतर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, बैठना हुआ तो बैठ जाएगा, नहीं तो जिधर मर्ज़ी, अगर मेरे नसीब में हुआ तो ज़रूर बैठेगा। ये बहुत प्यारे सेटअप है, ये एक जाल लगा है, ये मेरी छत के साथ एक दो, और ये माशाल्लाह एक पीछे भी जाल लगा हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जूम करके कि ये जाल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बहुत बड़ा जाल लगा हुआ है। शुक्रिया जो अभी दोबारा हमने जाल वगैरह लगाए हैं और तैयार की, अभी तैयार नहीं हुई है, आस्ता आस्ता लगे हुए हैं क्योंकि काम भी करना पड़ता है। और ये मेरी बहुत पुरानी छत है जहाँ पर हमने जोड़ों वाले कबूतर रखे हुए हैं, ये आपको बताते हैं। ये सारे ये देखें, ये जाल के अंदर हैं, ये तकरीबन जोड़ों वाले कबूतर हैं, ब्रीडियर कबूतर है, ये जाल के अंदर बैठे हुए हैं, ये देखें आप। तो इनके बच्चे हम उड़ाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे उड़ते हैं इनके, बहुत प्यारे परिंदे हैं, कमगर भी हैं, गोल्डन भी है। ये देखिए ये गोल्डन है, ये जा रहा है, ये गोल्डन गया है, एक मगर कबूतर बैठा हुआ है। इनके बच्चे माशाल्लाह बहुत पीछे बच्चे भी निकले हुए हैं, ये जाली में से आपको नज़र आ रहे हैं। ये परिंदे हैं, ये भी गोल्डन है, ये हमारा पुराना कबूतर है, ये भी बैठा हुआ है माशाल्लाह। तो इनके बच्चे बहुत अच्छे परवाजी बच्चे हैं, बहुत अच्छे उठते हैं। और ये हमने छोटा सा सेटअप रखा हुआ है जोड़ों के लिए, ये ऊपर देखें बैठे हुए, तो ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा सेटअप है दोस्तों। ये देखें, मुझे बताएं, क्योंकि हमने ये कहाँ से कबूतर स्टार्ट किए थे, ये छोटा सा खुडा था,
तो यहाँ से ही उड़ाते थे, फिर अलग अलग हो गया आस्ता आस्ता, फिर दूसरे कबूतर अलग कर लिए और ये जोड़ों वाले इधर ही अलग गए। इधर से बच्चे निकाल के हम ये हमारा दूसरा सेटअप आपको दिखाते हैं जो तैयार हुआ है। ये तो टावर आ गया और ये हमारा दूसरा सेटअप है जो तैयार हुआ है, और इसमें हमने तकरीबन 100 कबूतर छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे छोड़े और दो खुडे बनाए हुए हैं। ये देखें कि 20 फुट लंबा जाल है, ये 20 फुट लंबा जाल है और 7 फुट चौड़ा है, 7 फुट चौड़ा और 20 फुट है। इसके ऊपर दो खिड़कियां बनी हुई हैं, एक दफ़ा बना हुआ है और ये नीचे देखें आए, मैं आपको बताता हूँ ये नीचे वाला सेटअप है। ये देखें माशाल्लाह पड़ा रहता है, ये भरी रहती है। मैं इनको खुला दाना डालता हूँ, खाओ पियो, और जब भी कबूतर यहाँ जाल में ऊपर आके बैठता है ये इस जगह पे नीचे दाना देखता है, तो देखते ही वो नीचे आने की कोशिश करता है और इस सुराख से नीचे आता है और मुझे पता नहीं होता है कि आ गया। जब मैं आता हूँ दाना डालने के लिए, देखता हूँ कबूतर, चेक करता हूँ, तो नीचे 1, 2, 3 कबूतर ज़रूर खुडे में होते हैं। तो आप भी ऐसा ही जाले में सेटअप करें और मुझे बताएं कि ये वाला सेटअप कैसा है। उधर तो बड़ा जाल, देखे बड़ा जाल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कबूतर उड़ते हैं और इस सुराख में से अंदर आ जाते हैं और ये बंद होता है, और इस सुराख से जब अंदर आके चले जाते हैं तो उधर से बैठता बैठता इधर आता है, नीचे देखते हैं आता है। ये देखें ये नीचे दाना बना पड़ा होता है, ये भरी होती है हर वक्त, तो इसमें कबूतर खाते ही रहते हैं। तो माशाल्लाह ये पानी भी पड़ा होता है, ये पानी तो इधर कबूतर आकर खुद ब खुद अंदर आ जाते हैं, और मैं जब भी देखता हूँ 1, 2, 3 कबूतर अंदर खुडे में बैठे होते हैं और जब आ जाते हैं तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, ये देखें ये तकरीबन 6 इंच और 1 फुट लंबा है, ये एक सुराख है एक तरफ। अभी जैसे कबूतर, ये देखें कबूतर अब निकलना शुरू हो गए हैं और कबूतर ऊपर बैठना शुरू है, अभी 2 निकल के चले गए। तो माशाल्लाह अभी आपको मैं कुछ कबूतर जो झोले में लाए थे दोस्त से वो भी बताता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कुछ ये पट्टे बैठे हुए, इनको झोला हो गया था तो मैंने माशाल्लाह दवाई दी तो अब काफ़ी बेहतर है, मैंने कबूतरों में डाल दी, इनका वो वायरस ख़त्म हो चुका है। और इनके बारे में बताएं, ये तकरीबन 18 झोले वाले पट्टे थे, दाने भी निकले हुए थे, मैंने इनको दवाई वगैरह दी है, अब माशाल्लाह खुद खा रहे हैं। और ये कुछ ये देखें बच्चे जी, बहुत अच्छे आगे नस्ल के बच्चे थे। ये बच्चे देखें अभी भी कमज़ोर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी अच्छी खुराक दी जाए। तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये सब दोस्तों की मेहरबानी है, गिफ्ट आए हैं। ये देखें ये लाल मोती वाला देखें, ये ऊपर एक जरचा जुड़ा पड़ा हुआ है, अभी जगह कम है इधर, लेकिन अभी इंशाल्लाह जगह बन जाएगी। ये देखें ये कबूतर बैठे हुए, वो हमारा काला, ये देखें ये सफ़ेद बैठे हुए, फिर इसके नीचे ये पेटी पे देखें जी माशाल्लाह, ये एक बच्चा भी मुझे पता ही नहीं है दोस्तों। और ये देखें ये छोटा सा बच्चा है एक जो बैठा हुआ है, उन्होंने बच्चे भी निकाल दिए, बस हम दाना डालते रहते हैं। और पता नहीं, ये देखें ये गिफ्ट आया है जी, ये गिफ्ट आया है।